ये हम सभी क्या मांग रही है, इससे पहले भी और आज तीसरा दिन है अमरण अनशन का। 15,000 जो इनके द्वारा अर्थदंड लगाया गया है छात्रों का, उसी की वापसी को लेकर के था। और लगभग आप देखेंगे कि आज तीसरा दिन अमरण अनशन के, जब विश्वविद्यालय प्रशासन बीच में हम सभी से वार्ता करने आया तो वार्ता बेबुनियाद रही। फिर इधर से भी कहा गया कि जो छात्र हैं, जो छात्रावास है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो वहाँ पे कर्मचारी लगे थे उनकी तनख्वाह के लिए, तो जो छात्र जिनके ऊपर अर्थदंड लगा हुआ है 5,000 रुपये या देने के लिए तैयार है, 5,000 रुपये अर्थदंड के तौर पर देने के लिए तैयार है, या जो कि यहाँ से तय हुआ है। और इनके जो हमारा डेलीगेशन था इनसे भी बोल चुका है विश्वविद्यालय प्रशासन से, और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है अभी कुलपति महोदया से वार्ता करने के लिए गया है। अब देखिए उनके द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है। पिछले कई दिनों से छात्र संघ बहाली के लिए एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को 500 दिन से अधिक हो गए हैं, उस आंदोलन को लेकर सुनवाई और आप क्या देख रहे हैं? देखिए लगभग 500 दिन नहीं कह सकते उसको कैसे, इससे पहले भी हम लोग उसके लिए आंदोलन किए, छात्र परिषद को वापस कराया गया, रद्द कराया गया, और उसके बाद जैसे ही चुनाव की तिथि आई उसके बाद से कोविड महामारी चलने लगी। अब दरअसल मसला यह है कि जो हमारे साथीगण बैठे हुए हैं आंदोलन पे, बीच बीच में हम लोगों ने बड़ा घेराव किया। हालांकि अभी विश्वविद्यालय पूरी तरीके से नहीं खुला हुआ है कि प्रत्येक छात्रों से इसको लेकर के रणनीति बनाई जाए, जो यहाँ के प्रत्येक कॉलेजेज हैं वहाँ के छात्र नेताओं से मिलकर के इसको रणनीति बनाई जाए। जल्द ही इस पर भी हम लोग काम करें और जल्द ही इस पर भी हम लोग निर्णय लेंगे और उसके भी आंदोलन के आगे की रूपरेखा को तय करेंगे। देखिए प्रदर्शन विश्वविद्यालय के प्रशासन ने छात्रावासों में रहने वाले कुछ बच्चों के ऊपर अर्थदंड लगाए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना ये है कि विश्वविद्यालय के छात्र जो है, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस समय जब विश्वविद्यालय का आदेश था कि वो अपने अपने घर जाएंगे और छात्रावास खाली रहेंगे, तो कुछ बच्चे ताला तोड़ के छात्रावासों में रहे, तो उसके लिए उन्होंने पहले तो छात्रावासियों के ऊपर 60,000 रुपये का अर्थदंड लगाया था, लेकिन हम लोगों ने पहले आंदोलन किया तो उसको 15,000 किया और अब वो जो है 15,000 को माफ करने के लिए आंदोलन चल रहा है। क्या विश्वविद्यालय की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है? विश्वविद्यालय की तरफ से अभी डीन आर्ट्स हेरम चतुर्वेदी सर और क्या कहते हैं DSW और प्रॉक्टर आए थे, वो बात करके गए हैं और उस अर्थदंड को 5,000 तक करने की बात की गई है, ताकि सामान से सामान्य छात्र जिसके ऊपर ये लगाया गया है वो इसको भर सके और जो है आगे की उसकी पढ़ाई जारी रह सके।